वेलकम टू प्योर कुकिंग। इस वीडियो में मैं 5 kg बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 5 kg में चिकन ले रही हूँ और 4 kg बासमती राइस। इंशाल्लाह ये बिरयानी 35 से 40 यानी 35 to 40 मेंबर्स के लिए काफ़ी हो जाएगी। सारे टिप्स को ध्यान में रखकर आप बिरयानी बनाएंगे तो अच्छी बनेगी। थोड़ी सी वीडियो बड़ी है तो सुकून से देख लीजिए। इसके लिए मैंने 5 kg चिकन लिया है और विद बोन चिकन लेना है। मैंने विद स्किन लिया है, आप चाहें तो विदाउट स्किन ले लें। इसमें मैंने धोकर अच्छे से साफ़ करके छन्नी में रख दिया था ताकि इसका एक्सेस वाटर निकल जाए। अब मैंने इसमें 3 tablespoons भर के, आप देख सकते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट 4 tablespoons ऐड कर दिया है। और जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्रेश यूज़ करना है तो बिरयानी का टेस्ट अच्छा आता है। अब मैं इसमें 1 teaspoon टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट ऐड कर रही हूँ। मैंने 1 tablespoon सॉल्ट ऐड कर दिया है, मैं अंदाजे से ही डालती हूँ सॉल्ट। और टू टी स्पून मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया और 2 tablespoons इसमें मैं ग्रीन चिल्ली का पेस्ट ऐड कर रही हूँ यानी कि हरी मिर्ची का पेस्ट। और 2 teaspoons ही मैं इसमें रेड चिल्ली पाउडर ऐड करूँगी। आप सारे स्टेप्स को ध्यान से देख लें तो आपकी भी बिरयानी इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। अब मैंने इसमें 1 teaspoon हैदराबादी गरम मसाले का ऐड किया है। इसमें इलायची, लौंग और शाह ज़ीरा ही है बस। इलायची, लौंग, शाह ज़ीरा और सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी का चकला है, यही है सारी चीज़ें इसमें गरम मसाले में। अब ये सारे मसालों को पहले मैं चिकन में अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब मैं 1 kg दही ऐड कर रही हूँ। आप देख रहे हैं मैंने पैकेट यूज़ की है ताकि अच्छे से अंदाज़ा सही आपको बता सकूँ। तो 2 packets मैंने आधा किलो दही के, गाढ़ी दही के इसमें ऐड कर दिए। अब अच्छे से इसे मिक्स कर देना है दही को चिकन में। और इसको मैं 1 घंटे के लिए मैंने इसे मैरिनेट करके रख दिया था, काफ़ी हो जाएगा क्योंकि चिकन है। मटन रहेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन चिकन है। अब मैंने बड़ा स्टोव ऑन कर लिया है, इतनी बिरयानी बड़े स्टोव पे ही बनती है। अब मैं इसमें 1 liter की बॉटल से तेल ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है 100 grams के करीब। अब मैंने इसमें 1 kg प्याज को अच्छे से बारीक स्लाइस करके ऐड कर दिया है। फुल फ्लेम पर मैं प्याज को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। आप चाहें तो छोटे चूल्हे पे भी, डेली यूज़ करने के चूल्हे पे भी फ्राई कर सकते हैं लेकिन इससे जल्दी बन जाएगी, इसीलिए मैं इस पर फ्राई कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं फ्राई अच्छी से हो गई है। अनियन स्टोव की फ्लेम मैंने बंद कर दी है। अब ये अनियन मैं निकाल लूँगी और निकाल के ठंडी कर लूँगी ताकि क्रिस्पी हो जाए। देखिए स्टोव की फ्लेम मैंने कम बंद कर दी और इसे निकाल लूँगी अब अनियन को, क्योंकि ये गरम तेल में हम छोड़ देंगे तो काली हो जाएगी। और ये गरम गरम तेल में जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा था वो ऐड कर दूँगी। तो ये दम बिरयानी का ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ज़रूर इसे फॉलो कीजिए तो आपकी भी बिरयानी अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। अब मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी तेल में। तो 4 kg राइस है तो उसके लिए 1 kg तेल लगेगा, तो इसी हिसाब से 900 grams में तेल ऐड कर रही हूँ। 200 grams में घी ऐड करूँगी। अब जो मैंने प्याज रखी थी वो फ्रैन के नीचे रख के ठंडी करके इसमें ऐड कर दी है और 4 नींबू का रस भी ऐड कर दिया है। इसमें खूब सारा मैं हरा धनिया और कोथमीर ऐड कर रही हूँ। टोटल मैंने 3 cuts कोथमीर और 2 cuts पुदीना यूज़ किया है। अब चिकन मैरिनेशन अच्छा हो गया है, चिकन को मैंने साइड में रख दिया है। अब उसी बर्तन में, उसी चूल्हे पे मैंने 5 kg चावल पकने का भगोना रख लिया है। इसमें 16 इलायची, 16 लौंग, 2 teaspoons शाह ज़ीरा, 3 inches की सिनेमन स्टिक है और 5-6 बेलीव है। और मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। 2 मुट्ठी मैंने हाथ से ही नमक डाल दिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। और इसमें खूब सारा कोथमीर पुदीना डाल के इसे बॉईल कर लेंगे। फिर भी नमक का हिसाब ना समझ में आए तो आप चेक कर देख लें, थोड़ा सा खारा पानी लगना चाहिए। इसमें मैं 4 kg बासमती राइस धोकर मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रखे हैं। ये इंडिया गेट बासमती राइस मैंने लिए हैं। इसे हमने अच्छे से पका लेना है, 4 kani आने तक ही हम इसको पकाएंगे। याद रखिए 4 kani यानी कि फर्स्ट बॉईल आते ही हम स्टोव की फ्लेम कम कर देंगे। चावल 4 kani आने तक फुल फ्लेम पर पकाना है और इस तरह से जब बॉईल होने लगे तो स्टोव की फ्लेम मीडियम कर देनी है, मीडियम टू लो। और अब हम ये चावल मैरिनेटेड चिकन पे ऐड करेंगे। हाफ चावलों से थोड़े से कम इसमें हम ऐड कर देंगे और उसके बाद में स्टोव की फ्लेम बंद कर देनी है, यानी आधे चावलों से थोड़े से कम लेयर हम इस पर ऐड करेंगे। इस तरह से जब फर्स्ट लेयर हम लगाते हैं और ऊपर ज़्यादा पके हुए चावलों के लगाते हैं तो चावल बहुत ही अच्छे बनते हैं, यानी कि अच्छे से दम होते हैं। देखिए फर्स्ट लेयर अब मैंने बना ली है। इस पर थोड़ी सी फ्राइड अनियन ऐड कर देंगे और जो बाकी का सारा चावल है वो हम निथार देंगे।
फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप जब मैंने चिकन को तेल में मैरिनेट किया वहाँ पर आप 50% चिकन को पका ले सकते हैं अगर आप पक्के गोश्त की बनाएं। अब ये सारा पानी डिस्कार्ड कर देंगे हम राइस में से अच्छे से, और ये राइस पूरे हम अब फर्स्ट लेयर जो हमने बनाई थी अनियन डाल के उसके ऊपर ऐड कर देंगे। अब फिर से ये भगोना मैं स्टोव पर, बड़े स्टोव पर रख दूंगी, और ये 9 से 10 किलो चावल पकने वाला भगोना लेना है क्योंकि इतनी जगह भी होनी चाहिए राइस के लिए। अब इस पर खूब सारी फ्राइड अनियन और खूब सारा धनिया, हरा धनिया डाल देंगे, और आधा टीस्पून सैफ्रॉन यानी कि केसर को मैंने दूध में हाफ कप दूध में भिगो कर रखा था वो ऐड कर दिया, और 200 ग्राम मैं इसमें असली घी ऐड कर रही हूँ। दम पे असली घी डालने से बहुत टेस्टी बनती है बिरयानी। अब स्टोव की फ्लेम मैंने फिर से ऑन कर दी है, अब इसको हम ढक देंगे। अब 3 से 4 ड्रॉप मैं इसमें लेमन फूड कलर के भी ऐड कर रही हूँ ताकि अच्छा सा कलर आ जाए बिरयानी में। अब सिर्फ 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे और 10 से 15 मिनट तक हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। वजन रख के देख सकते हैं बिरयानी अच्छे से अब दम हो गई है। मेहमान होने की वजह से मैंने बाद में ये शूट किया है, तो अगर आपको मेरी ये बिरयानी की रेसिपी हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्योर कुकिंग चैनल को, और मैं आपको दूसरी वीडियो में मिलती हूँ गर्मा गर्म चिकन बिरयानी। ये कम अज़ कम 35 से 40 लोगों के लिए आराम से काफ़ी हो जाएगी। अगर आपको 50 लोगों के लिए बिरयानी की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं वो भी आपसे शेयर करूंगी। देखिए यहाँ पे मैं आपको चावल बता रही हूँ कितने अच्छे से पके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे वीडियो को देखने के लिए, लाइक ज़रूर करें, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। वीडियो देखिए ये चिकन भी काफ़ी अच्छे से पका है अब तो सारे।